The rectangular plane ABCD, with side AB is equal to thirty mm and BC is equal to fifty mm, has its surface parallel to HP such that its side AB remains perpendicular to VP. The surface is forty mm above HP and point A is twenty mm in front of VP. Draw the projections of the plane considering it in a first quadrant. सरफेस एचपी के पैरेलल है और होरिजोनटल प्लेन से 40 एम mm एम है तो यह डिस्टेंस होगा हमारा 40। पॉइंट ए इज 20 एम एम इन फ्रंट ऑफ वीपी ये डिस्टेंस होगा हमारा 20। प्लेन एबीसीडी का फ्रंट यू एंड टॉप यू ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम पॉइंट ए की पोजिशन मार्क करेंगे अगर यह रेक्टेंगल एबीसीडी को हम फ्रंट से ऑब्जर्व करेंगे तो ए का फ्रंट यू ए डैश हमें होरिजोनटल प्लेन से 40 एमएम mm अबोव मिलेगा और इसका टॉप यू वर्टिकल प्लेन से 20 एम mm जितने डिस्टेंस पे होगा तो हम यहां पे ए डैश एंड ए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई मार्क कर देंगे एक्स वाई से 40 एमएम mm अबो ए डैश मार्क करेंगे और एक्स वाई से बिलो ट्वेंटी एम mm जितने डिस्टेंस पे पॉइंट ए मार्क करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के कोई भी क्वेश्चन में सबसे पहले हमें प्लेन का शेप ड्रॉ करना है यहां पे ए बी इज परपेंडिकुलर टू वीपी तो बी का टॉप यू हमें ये एक्स वाई से परपेंडिकुलर मिलेगा ये डिस्टेंस होगा थर्टी बी सी फिफ्टी है तो ये डिस्टेंस हमारा होगा फिफ्टी टॉप यू में हमें ए बी सी डी ट्रू शेप मिलेगा जिसे हम पहले ड्रॉ करेंगे ए बी डिस्टेंस हम रखेंगे थर्टी बी टू सी होगा 50, उसके बाद हम रेक्टेंगल कंप्लीट कर देंगे यह हुआ एबीसीडी ट्रू शेप प्लेन जब हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल होगा तब फ्रंट यू में हमें एक लाइन मिलेगी ए एंड बी पॉइंट यहां पे को होंगे एंड सी एंड डी पॉइंट यहां फ्रंट यू में जो ये लाइन मिलेगी उसका एक्स वाई से डिस्टेंस होगा 40 टी mm. एमएम तो यहां से हम एक पैरल लाइन ड्रॉ करेंगे और सी एंड डी से एक प्रोजेक्टर ऊपर एक्सटेंड करेंगे यहां पे होगा हमारा बी डैश और यहां पे दो पॉइंट्स होंगे सी डैश एंड डी डैश इसको हम डार्क लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि ये प्लेन का फ्रंट यू है प्लेन का फ्रंट यू एंड टॉप यू ड्रॉ करने के बाद आपको यहां पे डायमेंशंस शो करने हैं बीसी इज फिफ्टी एम एम एबी इज थर्टी एम एम पॉइंट ए इज ट्वेंटी एम एम इन फ्रंट ऑफ बी पी एंड फोर्टी एम एम अबोव एचपी तो प्लेन का फ्रंट यू एंड टॉप यू ड्रॉ करने के बाद आप ऐसे डायमेंशन शो करेंगे रेक्टेंगुलर प्लेन एबीसीडी विथ साइड्स एबी इज इक्वल टू थर्टी एम एम एंड बी सी इज इक्वल टू फिफ्टी एम एम हैज इट्स सरफेस इंक्लाइन टू एचपी एट फोर्टी फाइव डिग्री ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ द प्लेन इफ इट इज इन फर्स्ट क्वार्टर प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के कोई भी क्वेश्चन में सबसे पहले आपको सरफेस इंक्लिनेशन फाइन करना है अगर आपकी सर्फेस ओरिजोनटल प्लेन के साथ इंक्लाइंड है तो स्टेप वन में हम प्लेन को एचपी के पैरल में जूम करेंगे यहां पर रेक्टेंगुलिसरिजोनटल प्लेन के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है तो हम स्टेप वन में इसको एचपी के पैरल करेंगे कंडीशन में हमें प्लेन का ट्रू शेप टॉप से मिलेगा जो होगा रेक्टेंगल और फ्रंट में हमें लाइन मिलेगी यहाँ पे हमें कोई भी लाइन का एचपी एंड वीपी से डिस्टेंस नहीं दिया तो बिलो एक्स वाई कहीं पे भी पॉइंट ए मार्क कर सकते हो यहां टॉप यू में हमें ट्रू शेप मिलेगा तो ए बी हम थर्टी एम mm की ड्रॉ करेंगे बीसी रखेंगे फिफ्टी एम mm. सबसे पहले हमें ट्रू शेप ड्रॉ करना है जो हमें टॉप यू से मिलेगा फ्रंट यू ड्रॉ करने के लिए टॉप यू से हम प्रोजेक्टर्स एक्सटेंड करेंगे फ्रंट यू में कोई भी हाइट पे आप होरिजोनटल लाइन ड्रॉ कर सकते हो क्योंकि उसका डिस्टेंस प्रोवाइडेड नहीं है यहां पे हमें दो पॉइंट्स मिलेंगे ए डैश एंड बी डैश यहां पे हमें c डैश एंड d डैश पॉइंट्स मिलेंगे फर्स्ट स्टेप में आपको रेक्टेंगल के डायमेंशन शो करने होंगे सेकेंड स्टेप में हमें सरफेस इंक्लिनेशन ड्रॉ करना है ये रेक्टेंगल को एचपी के साथ इंक्लाइन करने के लिए हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है सबसे पहले तो आप रेक्टेंगल को ऐसे इंक्लाइन कर सकते हो यहां पे एचपी के साथ एंगल आगे है सेकंड पॉसिबिलिटी है आप प्लेन को ऐसे इंक्लाइन कर सकते हो यहां पे हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ एंगल आपको यहां पे मिलेगा ये था आपका स्टेप वन जिसमें फ्रंट व्यू में लाइन मिली थी और टॉप व्यू में ट्रू शेप अब अगर प्लेन को आप ऐसे इंक्लाइन करोगे तो आपका फ्रंट व्यू लाइन से चेंज हो जाएगा यह टाइम पे फ्रंट व्यू में आपको प्लेन मिलेगा और टॉप व्यू का शेप भी चेंज हो जाएगा ये केस में आप स्टेप वन से स्टेप टू में जाओगे तो फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू दोनों चेंज हो जाएंगे ये आप ड्रॉ नहीं कर सकते आपको कोई भी एक व्यू रेफरेंस के लिए चाहिए नाउ सेकंड पॉसिबिलिटी में अगर आप स्टेप वन से स्टेप टू में जाओगे तो फ्रंट फ्रंटयू में जो लाइन है उसकी लेंथ चेंज नहीं होगी वो लाइन सिर्फ आपको 45 डिग्री जितने एंगल पे ड्रॉ करनी है बट टॉप यू में जो पहले ट्रू शेप था स्टेप वन में वो स्टेप टू में चेंज हो जाएगा तो ये केस में फ्रंटयू में जो लाइन मिल रही है वो स्टेप वन से स्टेप टू में सेम रहेगी सिर्फ टॉप यू चेंज होगा ये आप ऑन पेपर ड्रॉ कर सकते हो सेकंड स्टेप होगा हमारा सरफेस इंक्लिनेशन फ्रंट में जो ये लाइन है वो लाइन को हमें एक्स वाई से 45 डिग्री पे ड्रॉ करना है तो सबसे पहले हम एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे ये लाइन से 45 डिग्री पे एक लाइन बनाएंगे यहां पे होगा हमारा ए डैश बी डैश लाइन का डिस्टेंस है फिफ्टी एमएम mm. तो फिफ्टी एमएम mm पे हम एक पॉइंट मार्क करेंगे यहां पे मिलेगा हमें सी डैश एंड डी डैश यहां पे हम सरफेस इंक्लिनेशन शो करेंगे जिसकी वैल्यू है 45 डिग्री जब प्लेन एचपी के पैरल होगा तब यह हमारा टॉप यू होगा अब यह प्लेन का एंगल एचपी के साथ हम फोर्टी फाइव डिग्री करेंगे तो एबी एंड सी डी की लेंथ टॉप यू में चेंज नहीं होगी फर्स्ट स्टेप के टॉप यू में यह लेंथ थर्टी है वो ही आगे जाएगी तो यहां से हम प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे एबी एंड सी डी फाइंड करने के लिए प्लेन जब एचपी के पैरेलल हो तो फर्स्ट स्टेप में फ्रंट व्यू में हमें लाइन मिलेगी ये डिस्टेंस 50 है तो फ्रंट व्यू में हमें लाइन 50 एम mm की मिलेगी वही लाइन हमने यहां पर ड्रॉ की है तो यह डिस्टेंस है 50। नाव ये पोजीशन में अगर प्लेन को हम टॉप से ऑब्जर्व करेंगे तो बीसी एंड एडी की टॉप यू लेंथ होगी 50 कॉस 45, जो हमें यहां से मिल जाएगी उसके लिए हमें ए डैश बी डैश एंड सी डैश डी डैश से प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करने होंगे सबसे पहले हम टॉप यू से प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे उसके बाद स्टेप टू के फ्रंट यू से यहां पे होगा हमारा पॉइंट ए यहां पे बी यहां पे सी और यहां पे डी जब प्लेन को हमने एचपी के साथ 45 डिग्री पे रखा तब हमारा टॉप यू ट्रू शेप नहीं होगा उसमें बी एंड एडी की लेंथ चेंज होगी जिसकी वैल्यू होगी 50 कॉस 45, इतनी वो हमने सेकंड स्टेप के फ्रंट यू से ट्रांसफर की ए बी एंड सी डी की वैल्यू थर्टी ही रहेगी उसको हमने फर्स्ट स्टेप के टॉप यू से प्रोजेक्ट किया है यहां पे, डार्क लाइंस ड्रॉ करके टॉप यू कंप्लीट कर दीजिए नाउ स्टेप वन में नेमिंग रहेगा फ्रंट यू में डैश बी डैश सी डैश डी डैश टॉप यू में ए बी सी डी स्टेप वन से स्टेप टू में जाओ तब अगर शेप चेंज है तो आपको नेम नेम चेंज करना है. अदरवाइज़ पे जो है, वो ही रिपीट करना है फ्रंट यू में अगर हम देखेंगे तो ये लाइन सिर्फ हमने रोटेट की है इसका शेप चेंज नहीं हुआ तो इसीलिए सेम नेमिंग यहां पे रखेंगे टॉप यू में अगर देखें तो स्टेप वन में हमारे पास ट्रू शेप था स्टेप टू में यह शेप चेंज हो गया अगर शेप चेंज है तो हम एक्स्ट्रा वन ऐड करेंगे तो यहां पे नेमिंग होगी ए वन बी वन सी वन डी वन ये होगा हमारा फाइनल आंसर ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ अरेक्टेंगल विथ साइड्स ए बी इज इक्वल टू थर्टी एम एम

जब ये दो इंक्लिनेशन हो तो सबसे पहले हमें सरफेस इंक्लिनेशन फाइंड करना है यहां पे सरफेस हमारी एचपी के साथ 45 डिग्री पे है तो स्टेप वन में हम सरफेस को पैरल टू एच पी करेंगे एंड सेकेंड स्टेप में ये सरफेस इंक्लिनेशन ड्रॉ करेंगे एज इंक्लिनेशन है 30 डिग्री विथ वीपी उसे हम लास्ट स्टेप में ड्रॉ करेंगे यहां पे रेक्टेंगल की एक एज एचपी में है तो स्टेप वन में हम रेक्टेंगल को हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही अज्यूम करेंगे रेक्टेंगल को हमने एचपी पे ही रखा है तो उसका फ्रंट यू हमें एक्स वाई पे मिलेगा यहां पे मिलेंगे हमें डैश एंड बी डैश यहां पे मिलेंगे सी डैश एंड डी डैश स्टेप वन से स्टेप टू में फ्रंट फ्रंटयू का शेप चेंज नहीं हुआ तो नेमिंग हम यहां पे सेम रखेंगे टॉप यू में अगर देखेंगे तो यहां पे ट्रू शेप है और यहां पे शेप चेंज हो गया तो नेमिंग होगी ए वन बी वन सी वन एंड डी वन स्टेप वन एंड स्टेप टू हमने कवर कर लिए जब सरफेस के साथ एज इंक्लिनेशन भी दिया हो तब उसे हम स्टेप थ्री में ड्रॉ करेंगे फर्स्ट स्टेप में सरफेस हमारी एचपी के पैरेलल थी सेकंड स्टेप में हमने सरफेस इंक्लिनेशन ड्रॉ किया ये एंगल है 45 डिग्री नाउ प्लेन की ये पोजीशन में टॉप व्यू से आपको एक शेप मिलेगा जो शेप नहीं होगा अगर आप ये प्लेन को इस साइड पे 45 डिग्री पे रखोगे तो भी टॉप व्यू का शेप सेम ही रहेगा ये एंगल आप आगे रखोगे 45 डिग्री तो भी आपको सेम टॉप व्यू मिलेगा इसका मतलब यह है कि अगर आप प्लेन का एचपी के साथ एंगल फोर्टी फाइव डिग्री कांस्टेंट रखो और यह प्लेन को रोटेट करो तो इसका टॉप यू चेंज नहीं होगा टॉप्यू हर एक वक्त आपको सेम ही मिलेगा यह पोजीशन में एबी का वीपी के साथ एंगल 90 डिग्री है जब आप यह प्लेन को रोटेट करोगे तो यह एबी का वीपी के साथ एंगल चेंज होगा बट इसका टॉप यू ऑलवेज सेम ही रहेगा सेकंड स्टेप से थर्ड स्टेप में जाने के लिए आपको ये लॉजिक यूज करना है लाइन ए बी का वीपी के साथ एंगल 30 डिग्री है तो ये प्लेन को हम ऐसे रोटेट करेंगे जिससे ये ए बी वीपी के साथ 30 डिग्री जितना एंगल बनाए सेकंड स्टेप में हमें जो टॉप यू मिला था उसी टॉप यू को थर्ड स्टेप में हम पहले ऐसे रोटेट करेंगे जिससे ए बी का वीपी के साथ एंगल 30 डिग्री हो जाए यह 30 डिग्री एंगल आपको टॉप से से मिलेगा। स्टेप के फ्रंट यू से आप देख सकते हो एंड पे है तो एज ए बी हमारी होरिजोनटल प्लेन में है यह एज का वीपी के साथ इंक्लिनेशन 30 डिग्री है जो हमें टॉप यू से मिलेगा तो टॉप व्यू में हम 30 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उस पे A1 बी वन मार्क करेंगे सबसे पहले कोई एक पॉइंट सिलेक्ट करेंगे यहां से 30 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे उस पे हम ये A1 बी वन डिस्टेंस मार्क करेंगे A1 बी वन है 30 तो हम यहां पे थर्टी एम mm जितना डिस्टेंस मार्क कर सकते हैं यह होगा ए वन ये होगा बी वन उसके बाद हमें यह शेप एज इट इज कॉपी करना है ये एंगल है 90 डिग्री तो ए वन से 90 डिग्री पे एंड बी वन पॉइंट से 90 डिग्री पे एक, एक लाइन ड्रॉ करेंगे उस पे हम ये डिस्टेंस मार्क कर देंगे यहां पे होगा हमारा सी वन पॉइंट और यहां पे डी वन ए वन बी वन का एक्स वाई के साथ एंगल है 30 डिग्री जिसको हम यहां पे शो करेंगे सेकेंड स्टेप में सी एंड डी पॉइंट की हॉरिजॉन्टल प्लेन से जो हाइट थी वो थर्ड स्टेप में भी सेम रहेगी क्योंकि ये एंगल हमारा कांस्टेंट है 45 डिग्री तो थर्ड स्टेप का व्यू ड्रॉ करने के लिए हमें सेकेंड स्टेप के फ्रंट व्यू से प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करने होंगे डैश पॉइंट हमें यहां पे मिलेगा बी डैश यहां पे, सी डैश पॉइंट यहां पे होगा और डी डैश यहां पे ये चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमें फाइनल व्यू मिल जाएगा स्टेप टू से स्टेप थ्री में गए तब टॉप व्यू में हमने ये शेप सिर्फ कॉपी किया तो वन, बी वन सी वन एंड डी वन ये नेमिंग हम सेम रखेंगे स्टेप टू से स्टेप थ्री में जाएंगे तो फ्रंट्यू में यह लाइन की जगह पे हमें प्लेन विजिबल है यहां पे हमें एक्स्ट्रा वन ऐड करना होगा यह होगा आपका फाइनल आंसर